नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 71 प्रश्न पत्र 1994 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 5 मिनट तथा गति 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विशेष रूप से आर्थिक विकास और कृषि के संबंध में उल्लेख किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले वर्ष में खाद और बीज का वितरण ठीक समय पर किसानों को किया गया और साथ ही भगवान की कृपा रही, जिससे वर्षा समय पर हुई और नहरों व नलकूपों से खेती की सिंचाई के लिए समय पर पानी मिला, जिसका परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि इस साल अनाज की पैदावार पिछले सालों की अपेक्षा अधिक होगी। इस अवसर पर मैं कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिनका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है। जहाँ इस अभिभाषण में कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, विदेश नीति तथा अन्य दूसरी बातों का वर्णन है, वहाँ हमारे देश में फैले सामाजिक तनाव, धार्मिक तनाव और पिछले साल आई भयंकर बाढ़ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे विचार से राष्ट्रपति महोदय को अपने अभिभाषण में इन बातों का भी उल्लेख करना चाहिए था। पैराग्राफ चेंज। आप जानते हैं कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के नाम पर उत्तर भारत में जगह जगह पर तनाव की स्थिति पैदा हुई है। 30 साल पहले हरिजनों के आरक्षण की बात को माना गया था। मैं हरिजनों के लिए आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं हरिजन हूँ, लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों के नाम पर जिस आरक्षण की मांग की जा रही है, वह तर्कसंगत नहीं है। जिस समय हरिजनों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी, उसका आधार यह था कि यह ऐसी जाति थी जिसके पास कोई रोजगार या धंधे के साधन नहीं थे। वे जमींदारों के खेतों में काम करके किसी तरह से अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन आज पिछड़ी जातियों के नाम की जो सूची बनाई गई है, यदि उसकी जांच हो तो आपको मालूम होगा कि उनमें 5% भी ऐसी जातियां नहीं हैं जो किसी जमींदार के खेत में
काम करती हो या दूसरों की कृपा पर निर्भर हो। मैं चाहता हूँ कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने से पहले इस बात की जांच कराई जाए कि कौन सी जातियां आरक्षण की हकदार है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।